दोस्तों अगर आप भी अक्षर पटेल को बेहतरीन गेंदबाज मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे टी20 मैच में भारतीय गेंदबाजों का ऐसा बोलबाला देखने को मिला कि न्यूजीलैंड के सभी बल्लेबाज भारतीय टीम के सामने घुटने टेकते हुए नजर आए। हालांकि दोस्तों इसमें सबसे बड़ा हाथ अक्षर पटेल का रहा, जिन्होंने अपनी फिरकी के जाल में ऐसा फंसाया न्यूजीलैंड की पूरी टीम को कि वो पूरी की पूरी टीम फराशाई हो गई। और दोस्तों अक्षर ने गेंदबाजी में ऐसा कारनामा कर दिया जिसके बाद तो न्यूजीलैंड की पारी की कमर ही टूट गई। दोस्तों ऐसे में अक्षर पटेल की गेंदबाजी का पूरा हाल तो हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि अक्षर पटेल और रविंद्र जडेजा में कौन है बेहतरीन गेंदबाज, इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। दोस्तों आपको बता दें कि पहले दोनों मुकाबले में जीत हासिल करके भारतीय टीम कोलकाता के ऐतिहासिक ईडन गार्डन स्टेडियम में कीवी टीम का सूपड़ा साफ करने के इरादे से उतरी। और दोस्तों लगातार तीसरी बार भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीत लिया, पर इस बार उन्होंने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। और वहीं दूसरी तरफ न्यूजीलैंड के लिए टिम साउदी की जगह मिशेल स्नैटर कप्तानी करते हुए दिखाई दिए। वहीं दोस्तों भारत के लिए रोहित शर्मा के साथ ईशान किशन ने पारी की शुरुआत की, जो केएल राहुल की जगह पर शामिल किए गए थे। और भारत की नई सलामी जोड़ी आजमाने का एक्सपेरिमेंट कामयाब भी रहा। और क्योंकि पहले 6 ओवर में ही दोनों सलामी बल्लेबाजों ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए 69 रन जोड़ दिए थे। और लगातार छठवीं बार भारतीय टीम के सलामी बल्लेबाजों ने 50 से ऊपर के रनों की साझेदारी कर डाली। और उसके बाद कप्तान मिशेल स्नैटर ने एक ही ओवर में ईशान किशन और सूर्य कुमार यादव को चलता कर भारतीय टीम को दोहरा झटका दे दिया। और न्यूजीलैंड ने मैच में वापसी करते हुए दोस्तों बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाई। लेकिन दोस्तों सैंटनर यहां नहीं रुके और इसके बाद पंत भी उनके शिकार बन गए। और जिसके बाद बल्लेबाजी का सारा दारोमदार रोहित शर्मा के कंधों पर आ गया और उन्होंने 31 गेंदों में 5 चौके और 3 छक्कों की बदौलत 56 रनों की कप्तानी पारी खेली। हालांकि इसके बाद ईश सोढ़ी ने दोस्तों रोहित का एक हैरान कर देने वाला कैच लपक लिया और टीम काफी ज्यादा दबाव में आ गई। फिर दोस्तों श्रेयस अय्यर और वेंकटेश अय्यर ने 5वें विकेट के लिए 27 गेंदों में 36 रनों की महत्वपूर्ण साझेदारी करी, लेकिन सिर्फ 2 रनों के अंतराल पर दोनों ही बल्लेबाज पवेलियन चले गए और 140 के स्कोर पर भारतीय टीम को 6वां विकेट लग गया। और यहीं पर हर्षल पटेल और दीपक चहर ने बल्ले से कमाल करते हुए साबित कर दिया कि जरूरत पड़ने पर वो भी बड़े शॉट लगा सकते हैं। जहां हर्षल पटेल ने 11 गेंदों में 2 चौके और 1 छक्के की बदौलत 18 रन बनाए और हिट विकेट आउट हुए, जबकि दीपक चहर ने 8 गेंदों में 21 रनों की पारी खेल डाली और इस दौरान उन्होंने अंतिम ओवर में एडम मिलने की धुनाई कर डाली और कुल 19 रन बटोर लिए। इसके बाद भारतीय टीम का स्कोर 20 ओवर में 7 विकेट पर 184 रन पहुंच गया था और 185 रनों का पीछा करने उतरी न्यूजीलैंड की टीम को भारतीय गेंदबाजों ने नाको चने चबाने पर मजबूर कर दिया। दोस्तों पहले 6 ओवर में ही न्यूजीलैंड के 3 बड़े बल्लेबाज पवेलियन चलते बने और इसी दौरान अक्षर का कहर न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों पर जमकर टूटा। पहले 2 ओवरों में जहां 21 रन बनाकर न्यूजीलैंड की टीम ने दूसरी पारी की शुरुआत की तो विस्फोटक अंदाज थे, लेकिन जैसे ही अक्षर ने 3 ओवर में गेंद अपने हाथ में लिया, एक ही ओवर में उन्होंने पूरा मैच का पासा पलट कर रख दिया। और सबसे पहले उन्होंने मिशेल स्नैटर को सिर्फ 5 के स्कोर पर हर्षल पटेल के हाथों कैच आउट करा दिया और उसके बाद मार्क चैपमैन को खाता खोलने का मौका भी नहीं दिया। और एक ही ओवर में न्यूजीलैंड को दोहरे झटके लगे, जबकि अपने दूसरे ओवर में भी अक्षर ने ग्लेन फिलिप्स का शिकार कर न्यूजीलैंड की पारी की कमर तोड़कर रख दी और फिलिप्स बिना कोई रन बनाए क्लीन बोल्ड हो गए, जिसके बाद पहले 6 ओवर में ही न्यूजीलैंड की टीम 37 पर 3 विकेट गंवा चुकी थी। वहीं दोस्तों रही सही कसर युजवेंद्र चहल ने भी पूरी कर दी, क्योंकि उन्होंने मैच के नजरिए से बड़ा विकेट अपने नाम कर लिया था। दोस्तों न्यूजीलैंड के लिए सबसे अनुभवी बल्लेबाज मार्टिन गुप्टिन काफी खतरनाक अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे और अपना अर्धशतक भी पूरा कर चुके थे, लेकिन चहल ने न्यूजीलैंड के सबसे अनुभवी बल्लेबाज को 51 रन के स्कोर पर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया, जिसके बाद न्यूजीलैंड को 69 रन के स्कोर पर 4था झटका लग गया, जिसके बाद टीम को संभालने का मौका भी नहीं मिला क्योंकि इसके बाद विकेटों की झड़ी सी लग गई और कीवी टीम सिर्फ 6 विकेट पर अपने 42 रन ही बना पाई थी और न्यूजीलैंड की पूरी टीम महज 111 रन पर ढेर हो गई और टीम इंडिया ने 73 रनों से न्यूजीलैंड को धोकर रख दिया और इसी के साथ सीरीज में 3-0 से न्यूजीलैंड का सूपड़ा साफ कर दिया। भारतीय टीम के लिए अक्षर पटेल ने सर्वाधिक 3 विकेट झटके, जबकि हर्षल पटेल ने 2, वहीं चहल वेंकटेश अय्यर और दीपक चहर को 1-1 विकेट प्राप्त हुआ। ऐसे में दोस्तों आप अक्षर पटेल की आज की गेंदबाजी को 10 में से कितने नंबर देंगे, इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। और ऐसी ही खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।